नमस्कार दोस्तों, मैं अजय तबला ट्यूटोरियल आप लोग के बीच बहुत ही सुंदर दोस्तों ढोलक का ये पैटर्न लेके आया हूँ। आई होप आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं दोस्तों, उसके लिए थैंक यू सो मच। आइए आप लोग के बीच बहुत ही सुंदर ये ढोलक का पैटर्न लेके आया हूँ दोस्तों। मैं बताऊँ आप लोग को, ये ताल बहुत ही अच्छा ताल है दोस्तों, जो क्लासिकल में बजाया जाता है, गज़लों में बजाया जाता है दोस्तों। तो आइए आप वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें दोस्तों, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ और सीख पाएँ, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए पूरी वीडियो देखिएगा और आइए इस तरीके से आप सीखिए, और मैं निकाल के भी दिखाता हूँ, बजा के भी दिखाता हूँ आप लोगों को, और सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी किस तरीके से ये आप आसानी से बजा पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग के बीच दिखाता हूँ ये रूपक ताल किस तरीके से बजता है। पहले बजना देख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ किस तरीके से ये सीखा जाएगा। तो आइए, इसके बोल होते हैं दोस्तों, 7 मात्रा की ताल होती है, इसका बोल है। हालाँकि बेसिक ये तबले का बोल है, तबले में बजाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये ढोलक पे बजा के दिखाऊंगा और ढोलक पे सिखा रहा हूँ। तो ढोलक पे भी बजाइए, ढोलक पे भी बजता है, ऐसा नहीं है कि तबले का बोल है तो ढोलक पे मैं नहीं बजाऊंगा, ढोलक पे भी बजाइए, बट आप लोगों को इसको समझना ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए किस तरीके से बज रहा है रूपक ताल। इसका बोल देखिए दोस्तों, बड़ा प्यारा बोल है। ती ती ना धी ना धी ना, 7 मात्रा की ताल है दोस्तों। ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है दोस्तों, ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, बजा के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। मैं इस पर बड़ा अच्छा एक गज़ल भी है दोस्तों, अभी बजा रहा था तो याद भी आ गया, मैं आपको सुना भी देता हूँ उसका एक थोड़ा सा मुखड़ा। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, कितना प्यारा गज़ल इस पर बजा हुआ है। तो ये भी आप लोग सीखिए और आप लोग भी बजाइए अच्छी तरीके से, आगे बढ़िए दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका टेक्निक क्या है। टेक्निक देखिए दोस्तों, टेक्निक समझिए, टेक्निक समझते हैं तो आप तरीके से बजाने में आसानी होती है आप लोगों को। तो इसका बोल क्या है दोस्तों, पहला बोल हमारा बोल रहा है ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है दोस्तों। तो ती हम कहाँ से बजाएंगे, ये हमने ती यहाँ से बजा दिए, देखिए ती ती ना, इसे बजा लिए हम ती, या इससे भी बजा सकते हैं आप, इससे भी ती बजा सकते हैं दोस्तों, आपके फिंगर का बैलेंस कैसे बन रहा है। तो गाने में ज़्यादातर हम लोग इससे बजाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हम इससे ही बजाएंगे ती ती ना, फिर धी बचा तो धी हम यहाँ से लेंगे, देखिए धी धी, इस तरीके से आप बजा लेंगे धी धी धी, और फिर ना आ रहा है तो फिर हम ना बजा लेंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और देखिए ती ती ना धी ना, ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर, देखिए बिल्कुल बारीकी से समझिए, बिल्कुल स्लो समझिए। ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है, देखिए ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है, एक बार और देख लीजिए कहाँ से बजा रहा हूँ मैं, ती ती ना, फिर हम यहाँ से बजा लेंगे धी फिर ना, ठीक है दोस्तों।
इस तरीके से ती ती ना धी ना धी ना, ये आपका बोल कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये इस तरीके से बजा रहे हैं तो ये बजेगा इस तरीके से ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना धा, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना धा। और इसमें छोटा सा कुछ मिक्स करना है आपको, देखिए क्या मिक्स करना है। तो ती के साथ हम जब ये ती बजा रहे हैं दोस्तों, तो ती के साथ हम ये क भी बजा लेंगे। सपोर्ट करना है, बजाना नहीं है, केवल हाथ का ये सपोर्ट देना है ताकि ये बजे तो सुंदर लगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बजाएंगे ये हाथ खाली लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम सपोर्ट के लिए ध्यान सपोर्ट के लिए हम रखेंगे, बजाना नहीं है। ती ती ना और धी के साथ हल्का न मिक्स करेंगे, धी ना धी ना। ठीक है, वैसे ना तो बज ही रहा है लेकिन अगर फास्ट हम करते हैं तो हल्का सा टच होके आता है ये ना का पैटर्न। ठीक है, देखिए ती ती ना धी ना धी ना, डबल ना हो गया उसी में, ना ना इस तरीके से ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना। इस तरीके से आप पैटर्न आप स्लो बजाइएगा दोस्तों, और इसके साथ बोलना भी है आप लोगों को। आप जब बोलेंगे तो अच्छी तरीके से आप बजा पाएंगे, कि बोलते समय उच्चारण जब होता है मुँह से तो फिंगर भी मूवमेंट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ती ती ना धी ना धी ना, एक लय बना लेंगे, लय बना के इसके साथ में आप लोगों को बजाना होगा। ठीक है दोस्तों, स्लो बजाना है, बिल्कुल स्लो। देखिए किस तरीके से ती ती ना धी ना धी ना, इतना स्लो स्लो प्रैक्टिस करना है। 5 मिनट 10 मिनट आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए, तो 10-5 मिनट बिल्कुल स्लो प्रैक्टिस करना है, उसके बाद अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए ती ती ना धी ना धी ना, ती धी ना धी ना धा, इस तरीके से आप बजाइए। और इसमें मिक्स काफ़ी करते हैं लोग, जैसे ती ती ना ती धी ना धी ना ती ती ती, तो आने वाले वीडियो में मैं ये सब भी बना के डालूंगा दोस्तों आप लोग के लिए। बट आप पहले एक बेसिक समझिए, उसका बोल समझिए, उसको निकालिए, उसके बाद आगे और भी वीडियो आएंगी। आइए आज की वीडियो में इतना ही, और आइए हमारे इस अजय तबला ट्यूटोरियल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो तबला ढोलक की वीडियो में लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग के सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ा मनोबल बढ़ता है हमारा, तो और इसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता है दोस्तों, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच पाए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ आप लोग भी बताना चाहते हैं या आप कुछ सीखना चाहते हैं, नई तालें नई बातें, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। आइए, थैंक यू सो मच दोस्तों।